अम्मे राहिल साहिबा, आज जरा जाते जाते आज ईद का तोहफा दे ही जाइए लोगों को जो देख रहे हैं। क्या है फिर किचन में चले? किचन में चले जलाल की जगह। अच्छा, मैं जाऊंगा तो फिर जाएंगे। अरे तुम्हारे पीछे पीछे छापा मारा था भाई मेरे। एक चीज और बताऊं आपको, देखो उसे क्या छापा मारा था अभी। एक चीज और बताऊं आपको, उस दिन बात हो रही थी, हमने अनाउंस किया था उर्दू फ्लिक्स के लिए। यस यस, आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह उर्दू फ्लिक्स को देख रहे हैं लोग और बेतहाशा लोग, हजार रुपए में फेशियल क्लिप्स लेके आए जी। वाह, हमने तो ऐसी ऐसी आइडिया आ गया था कि डॉक्टर साहिबा का ये सेगमेंट आप अगर लेकर आते हैं रसास्वता तो आपको जो है ना वो जो 6000 का फेशियल है वो 1000 में हो जाएगा। और यहाँ पे मेहनत भी तो हुई थी लोगों के चेहरों पे। हाँ, तो उसपे उसके बाद तो लाइटें हमने कम कर दी हमने तो एपर्चर डाउन कर दिया, हमने एक्सपोजर डाउन कर दिया। खड़े हो जाओ, मेरे भाई कह रहे हैं बस मेरी बहन तुम नीचे छेल रहे हो। क्यों, मुझे क्या चार करने की जरूरत है? उठाना अल्लाह ना करे, वो टाइम गया। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, क्या बन रहा है, क्या बताने वाली हैं आज? ईद का तोहफा क्या देके जा रही हैं? देखें, अब वैसे तो बहुत सारी चीजें रखी हैं, प्याज रखी है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, अदरक है जो कि खांसी के लिए हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, और जो है ना जिनको मतलब बलगम रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। काले मिर्च अगर है, अगर इसकी बात करें तो काले मिर्च अगर अपने खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये वजन नहीं बढ़ाती, ठीक है, अच्छा, और जो येलो फैट होता है बॉडी का ये उसको बहुत तेजी के साथ काटती है। और अच्छा, बड़ा काम होता है और अक्सर ये होता है कि अचानक सर में दर्द होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, गर्मी का दर्द अलग होता है, बीमारी का दर्द अलग होता है, एक दर्द होता है बैठे बैठे अचानक सर में दर्द होता है, नमक हर घर में होता है, एक चुटकी नमक रखा और गर्म पानी पी लिया, दर्द खत्म। अच्छा वाकई में, अरे सुनिए, इस वक्त मैं बहुत सारी खवातीन के बिहाफ पे अपने सवाल कर रही हूँ, ठीक है। एक्स वाई जी, नसरीन बाजी, फातिमा आपा और शकीला फुप्पो जो है वो नहीं जा सके सैलून, नहीं मिला उनको टाइम घर के कामों से और बच्चों के सबके अफ्तार पकोड़े जो गुस्सा खिलाने होते हैं, ठीक है, ठीक है, और वो जो बड़े कहते थे कि हमारे लिए क्या किया, उनके लिए भी मतलब उनकी अम्माओं और उनकी फुप्पियों के लिए भी नहीं जा सकी। मैं किचन में हूँ, मैं क्या करूँ जिससे फ्रेश मेरा फेस हो जाए? दही किचन में लाजमी होगी, ईद दही, ठीक है, दही घर में होगी, चावल हर घर में होते हैं, ठीक है, चावल और दही लेके बादाम शेर खुरमा बनाने के लिए आपने बादाम रखे होंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बादाम उठा लीजिए, दो बादाम उठा लीजिए, उसमें से बाइसेप करना है जी, एक साथ में खा जैसे तुम करते हो, जैसे तुम करते हो, ठीक है। बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत अचानक से ठंड लगना शुरू हो गई मुझे, क्या करूं। तो आपने बादाम जो है उसका पाउडर बनाना है, उसके बाद चावल जो है वो आपने 1 टीस्पून लेना है, उसका पाउडर बनाना है, ठीक है, मोटा मोटा, हाँ। और उसमें आपने दही मिलानी है 1 चम्मच, ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट, अच्छा इसको स्क्रब की तरह नहीं रखना, इसको क्रीमी पेस्ट बनाना है, क्रीमी पेस्ट बनाना है, यस, दही के साथ, दही के साथ, ठीक है। अब एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले एलोवेरा जेल से क्लेंजिंग करनी है, क्लेंजिंग करके उसको वाइप ऑफ करना है, वॉश नहीं करना है, और उसके बाद ये जो पेस्ट है क्रीमी पेस्ट, इसको लगा के आपने 10 मिनट तक मसाज करना है, और उसको कम से कम या तो रात भर छोड़ दें या 1 से 2 घंटे छोड़ दें, ठीक है। जब आप फेस वॉश करेंगे सारी टैनिंग खत्म हो चुकी होगी, चेहरे पे जो ग्लो होगा वो अलग ही होगा, और चावल और बादाम मिलके फेस को नेचुरली ब्लीच कर देंगे। वाओ, तो वो एकदम से जो इंस्टेंट ग्लो आते फेशियल वाला वो आपको इन 3 चीजों से मिल जाएगा। आज तक तुमने क्यों ना बताया ये मुझे? मैं नहीं चाह रही थी ना कि तो मैं ग्लो करूं, इतना तो ग्लो कर रहे हैं, अब आपने के लाइटें बंद करवानी है। मैं तो चाहती हूँ, ये आज मक्खन की फैक्ट्री वहां से आया, हाँ, मैं आपके साथ हूँ, पता है ना, ईद आने वाली है, नजर नहीं आऊंगी मैं, हाँ, मक्खन की टिकिया लेके घूम, पूछे पूछे क्या बना रहे हैं आज, आप क्या बना रहे हैं? हसन भाई इतने गौर से सुन रहे थे क्या वो, मुझे लग रहा है शायद ब्रेक में निकलेगा सब कुछ, ट्राई करने वाले हसन भाई रोज ट्राई करते हैं खाना आपका, खाना नहीं, आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे, वो सिर्फ सुनते ही है 15 अभी से नहीं, कोई मेरे ख्याल में 10-12-15 साल सुनता दूसरे कान का मेरा भाई ऐसा भरपूर इस्तेमाल करता है निकालने के लिए, तो जी आप क्या हमारी बीवी ये सब इस्तेमाल नहीं करती है टोटके? अरे हमारी जो बहू है, भाभी जो हमारी, भाइयों को बीच में नहीं लाते, बस डायरेक्ट, सही सही, ये रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये भी एक हेल्दी तरीका होता है कि आप बीच में जिससे रिश्ता उसको ना लाएं, और जिससे आपका इनडायरेक्ट रिश्ता है उससे आप डायरेक्ट रहें, क्योंकि वो जो इनडायरेक्ट आप फिर बातें करते हैं ना उससे रिश्ते होते हैं खराब। हालांकि हमारा जो है वो मोहब्बत का और रूहानी रिश्ता है, लेकिन उसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे वाकई खून के रिश्ते हों, क्योंकि रिश्तों में अगर आपने ग्रोथ करनी है सबसे पहले डायरेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे हाँ भाई चलो भाई, अब मतलब ऐसे बता ना ऐसे वो ना, जैसे हम लोग उस दिन गए, अम्मा ने आपसे नहीं कहा होगा, मुझसे कहा कि मैंने उस दिन देखा था वो सफेद तिल का तुमने कुछ बताया था, मुझे ला देना, मैंने कहा, अम्मा ने बोला हाँ, अरे नहीं नहीं कोई भी चीज कहीं भी आ रही हो, ठीक है, हसन कहीं आ रहे हो,
नूरी भाई कहीं आ रही हो, रिजवान गलती से कहीं नजर आ जाए, वो वहां पे था। मैंने कहा अच्छा अम्मा होगा। तो वहां क्या कर रहा था? मैंने कहा अम्मा आपने क्या देखा करते हुए? नाथ पढ़ रहा था। तो मैंने कहा नाथ ही पढ़ रहा होगा, मुझे क्या पता, मैं कोई अडॉप्टेड मदर तो नहीं हूँ, मतलब मुझे पता होगा सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने माशाल्लाह मर्जी के मालिक हैं, सब अपनी मर्जी से जीते हैं। और क्या बता दे क्या बनाना यार? अच्छा आज हम बना रहे पेपर चिकन, बना रहे काली मिर्च के साथ पेपर चिकन बना रहे, और दूसरी हम बना रहे बादाम, जैसे आपने बताया ना आलमंड के बारे में, इससे तो उसी तरह से हम वो आलमंड चिकन से हम ठंडा मारा था आपने, वो लगाएंगे आइस। वो इधर एहसान हसन भाई को सर्दी लग गई थी, तो ये बादाम आप ये अगर हम बादाम जब करी में डालेंगे तो वो वैसा ही ट्रीट करेगा स्किन को, वो अंदर जा रहा है, वो ऊपर नहीं लग रहा। अच्छा वो हाँ। अंदर जाने वो ताकत देगा, ताकत देगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, आपको